पिछले शिपमेंट में बहुत ज्यादा बेसाबतियां थी, इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं सुनूंगा। नहीं सर, इस बार ऐसा नहीं होगा। वैसे भी वो सुपरवाइजर जॉब छोड़कर जा चुका है। उसे तो छोड़ना ही चाहिए था। अच्छा ये बताओ कि मेरे टिकट का क्या हुआ? सर डे आफ्टर टुमारो कंफर्म है। परसों? अरे परसों तो मुझे ट्रस्ट जाना होता है, मैं उन लोगों को इंतजार नहीं करवा सकता। सर फिर बुकिंग का मसला हो जाए, सारी फ्लाइटें पैक हैं। अच्छा तो फिर कैंसिल करो, नहीं जाता। वहाँ ट्रस्ट में इतने सारे लोग मेरे मुंतजर होते हैं, मैं उन लोगों को परेशान नहीं कर सकता। पूरे महीना लोग इस दिन का इंतजार करते हैं, किसी के राशन का मसला, किसी के फीस का मसला। बस तुम कैंसिल कर दो, मैं इन लोगों को मजीद परेशान नहीं कर सकता। सर एक बात कहूँ सर, फैजान रहमान साहब से अगर आप कह दें कि वो चले जाए आपकी जगह, वैसे भी आजकल वो आपके मामला काफी संभाल रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये कोई कारोबारी डील तो है नहीं जो मैं उससे कह दूँ, और वो इन सब चीजों को बिल्कुल नहीं समझता। सर एक बार आप कहकर तो देखें, वैसे भी ये बिजनेस उनका भी तो है। सर आप फिक्र ना करें, मैं गाइड कर दूंगा। ठीक। ओ भाई बात सुन, ये मूवी के शौक ना सिर्फ अपने तक रख, कसम से सिर्फ 2 घंटे सर में दर्द हुआ है और कुछ भी नहीं। क्या बात कर रहा है यार, इतनी तो जबरदस्त मूवी थी। अरे यार फैजान देख, हम में से किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो हम सिर्फ इसलिए गए थे ताकि तेरा दिल रख सके। वैसे अहमद बिल्कुल ठीक कह रहा है, आखिर था क्या उस 8 मूवी के अंदर? मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आया कि वो कहां से शुरू हुई कहां खत्म हुई, और जो लैंग्वेज उसमें वो यूज कर रहे थे, एक वक्त तो ऐसा लगा मुझे कि जैसे मेरे फरिश्ते लुगत खोल के बैठ गए हैं उर्दू की वो सीखने के लिए। अबे तुझे इतनी चिढ़ थी तो क्यों गया था मेरे साथ? मैं अकेला चला जाता मूवी के लिए, अकेला भी एंजॉय कर सकता हूं। वो तो हम इसलिए गए थे कि साथ जाएंगे तो खाना भी मिलेगा। अबे तो खा लिया ना तुम लोगों ने, वो भी ठूस ठूस के खाया तुम लोगों ने, उसके बाद भी शिकायत कर रहे हो तुम मुझसे? यार तो अब क्या खाना भी नहीं खाते फैजान? ये बता तेरी वो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल मूवी देखने के बाद जो बदहजमियां पैदा हो गई थी ना अंदर, वो तुम्हारे खाने नहीं कवर किए। यार समझे इतने एहसान फरामोश दोस्त ना दुनिया में किसी के भी नहीं। पूरे 8,000 का तुम लोगों ने खाना खाया और 5,000 तुम लोगों के टिकट्स के भी भरे मैंने। अरे मुझे लड़कियों की तरह दिखा रहे हो तुम लोग यार। अच्छा चल छोड़ चाय पिला दे, इसको सबसे ज्यादा भूख लग रही थी। चाय लेना, स्पेशली इसके लिए ज्यादा लेके आना जरा। अबे क्या है यार, सोने देना। अबे यार शानी की बर्थडे पार्टी थी इसलिए लेट हो गया था, नहीं आ सका मैं। हाँ तो एक काम कर, कल आ जा मेरे पास, अभी सोने दे मुझे। बाय। अरे बेटा बेटा। अरे डैड आप खैर? तो अब मेरा आना भी खैर नहीं? वाह साहबजादे वाह। डैड ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आज उठने में कुछ देर नहीं हो गई? पूरे 1 घंटे लेट हो, क्या अलार्म नहीं लगाया था? डैड लगाया था अलार्म, लेकिन मैंने जानबूझ के 1 घंटा लेट लगाया था, कल थक गया था ना बहुत ज्यादा इसलिए। हाँ बेटा जब बिजनेस से ज्यादा पार्टीज और डिनर इम्पोर्टेंट हो जाए तो ऐसा तो होता ही है। डैड वो कल एक्चुअली शानी का बर्थडे था और उसके पेरेंट्स ने ना अचानक वहाँ पे सरप्राइज एंगेजमेंट दे दी, फिर क्या था वही डांस हल्ला गुल्ला सब कुछ शुरू हो गया था वहाँ पे। ठीक है बेटा, मगर कुछ ध्यान अपने बिजनेस पे भी दो। तुम पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के मालिक हो और अब तुम पर ये हल्ला गुल्ला सूट नहीं करता, थोड़ी सी अपने अंदर डिसेंसी पैदा करो बेटा। आई एम सॉरी डैड, मैं आइंदा से ख्याल रखूंगा। पर डैड आप जानते हैं ना कि शानी मेरा बेस्ट बड़ी है, बस इसलिए देर हो गई वरना मैं जल्दी आ जाता। अच्छा बेटा ये सब छोड़ो, मैं नाश्ते पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और हाँ ऑफिस जाके जाहिर से जरूर मिल लेना,
क्यों डैड, खैरियत? आज जाहिद से मिलने का क्यों बोल दिया आपने? अरे बेटा, मैंने जाहिद को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तुम्हें कहीं जाना है और अगर हो सके तो उस पर अमल भी कर लेना। ओके डैड। ओके। What? मैं? Are you out of your mind? तुमने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? उनको ऐसा मशवरा दिया ही क्यों तुमने? सर वैसे इसमें हर्ज भी क्या है? और आपको तो मालूम है कि जुबैर रहमान साहब का ये विजिट कितना जरूरी था। वो उसको ट्रस्ट की वजह से कैंसिल कर रहे थे। और ये बिजनेस आपका भी तो है। मगर यार, मैंने इस तरह का सोशल वर्क कभी नहीं किया। पता नहीं कैसे लोग होंगे, तमीज होगी कि नहीं। और तुम्हें तो पता ना पैसों पे कैसे टूटते हैं लोग। पता नहीं कैसा इलाका होगा यार, कहाँ फंसा दिया मुझे। सर ऐसा हरगिज नहीं है। आप देखेंगे वो पूरा महीना हाथ लगा के रखते हैं और जुबैर रहमान साहब की तो बहुत ही इज्जत करते हैं। जब उनको मालूम होगा कि आप उनके बेटे हैं तो आप देखिएगा वो आपकी कितनी इज्जत करेंगे। यार कहाँ फंसा दिया मुझे। मैं वहां पे जाऊंगा और फौरन पैसे देके निकल जाऊंगा। ओके आ गया तो सुबह सुबह अपनी शक्ल दिखाने मुझे। यार ना सलाम ना दुआ ना हाल अहवाल, बस तो शुरू हो गया। चल कर बकवास बोल। यार वो देख, अगर तू पैसे मांगने आया ना तो मेरे पास नहीं, तूने पहले वाले भी वापस नहीं किए। यार मैं पैसे के लिए नहीं आया, एक्चुअली मुझे तेरी कंपनी की हार्ट चाहिए। बात तो वही आ गई ना, मतलब ही सदा के मतलब ही लोगों तुम लोग। यार यार तू दोस्ती के अंदर ना मतलब परस्ती मत लाया कर। देख जो बात है, तुम लोगों से तो कभी टॉपिक भी नहीं कि मुझ पर 2,000 रुपये खर्च कर दे। तुम लोगों के खाने का बिल मैं पे करता हूँ, तफरी का मैं देखता हूँ, अगर तुम लोगों को पिक एंड ड्रॉप करने दूँ। यार सुन यार, जलील मत कर। सही है, मैं यहाँ जलील होने के लिए नहीं आया हूँ। अगर तुझसे नहीं हो सकता तो मुझे बता दे, मैं कहीं और से अरेंजमेंट करा लूंगा। मना कर दूंगा अपनी कजन्स को कि नहीं हो सका। हाँ वो कनाडा वाले कजन्स ना। चल कोई बात, मैं मजाक कर रहा हूँ। एक काम कर, मेरा वो जो हार्ट है ना वो तो ऑलरेडी 1 वीक से, मैं दूसरा हार्ट बुक करवा देता हूँ, ठीक है? नहीं यार, तुझे पता है कि बजट का इशू होगा। तो पैसों की फिक्र क्यों करते हैं? जहाँ तुम लोगों ने मुझे इतना लूटा, एक हार्ट और सही है, करवा देगा। अरे पक्का, तू बस तैयारी पकड़, समझ पैसे। अबे आज से पहले तो तुम लोगों ने कभी पैसे का पूछा नहीं यार। लेकिन फिर भी ना, बस जानता है ना। अबे तू आम खा, गुठलियां मत के। थैंक्स यार, थैंक्स। हेलो, हाँ ये एक हार्ट बुक करवा दीजिएगा, बस 2 से 4 लड़कियों में ज्यादा नहीं। On Sunday. Okay. Thank you. हो गया? Thanks यार, thanks a lot. नहीं ना यार, चल। ओ बेटा बात तो सुन, कुछ देता तो जा। मैं माफी दे, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। अरे जब देखो तू ऐसे ही कहता है, कुछ देके नहीं जाता है। I'm sure, आप में से बहुत लोगों ने ये सच सुना जरूर होगा कभी ना कभी, पर देखा नहीं होगा। आप लोग इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। ये देखकर शायद आपको समझ में आए कि लाइफ असली में होती क्या है और क्या ऐसी लाइफ होनी भी चाहिए। As a human being, क्या हम लोग ये डिजर्व करते हैं कि हमारी सो कॉल्ड सोसाइटी। कसान बाबा, ये हमारी गली से तीसरी गली पे रहता है और बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन इसे मशहूरी का शौक नहीं है। प्रे होता है, सबको होता है। पहले खुद अपने पीछे कैमरा लगवा लेते हैं और फिर बोलते हैं कि किसी ने चुपके वीडियो बना ली। अरे बात के पीछे ना कोई लालच होती है। अरे कोई ऐसे किसी की मदद क्यों करेगा यार। लेकिन फैजान बाबा ये ऐसा नहीं है, मेरे साथ बचपन गुजरा इसका, भला मानस है ये। भला मानस? अरे यार ये तुम और तुम्हारी सोच, तुम वकालत नहीं करोगे तो कौन करेगा? कोई तो फायदा होता होगा ना इन लोगों को, वरना लोगों को क्या पड़ी है कि इतना पैसा दें इनको कि सैकड़ों लोगों के घर में राशन डलवा सके। अरे यार सब ढूंढ होता है इनका ये। ठीक है बाबा, आप सही हैं, चले। लेकिन मैंने बड़ी ईमानदारी थी मेरे अंदर और मेहनत करने का जज्बा था। क्या बात है आयशा, पाकिस्तान आई हुई हो क्या? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, मिलते हैं ना। अच्छा देखो अभी मुझे जरा एक मीटिंग के लिए निकलना है तो मैं वापसी भी मिलता हूँ। अरे हाँ बाबा पक्का, क्यों नहीं। ओके श्योर, डन, बाय। फैजान बाबा वो
मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या बाबा, पीछे से आवाज आना जरूरी थी क्या? कितनी दफा समझाया मैंने आपको? माफी चाहता हूँ। ठीक है, आप जाइए, मैं रात को बात कर लूँ। अच्छा चलें, बोले आप, क्या बात है बाबा? वो क्या बाबा, कुछ टूट गया क्या? नहीं, वो दरअसल बाबा कुछ छुट्टी चाहिए आपको? नहीं नहीं, छुट्टी नहीं चाहिए। वो कल मेरी बेटी को लड़के वाले देखने आए थे। अरे वाह, मुबारक हो, कब है शादी? अभी तो वो कल देख कर गए, मगर मगर क्या, कोई डिमांड कर दी उन्होंने? नहीं, की तो नहीं है, लेकिन वो इंक्वायरी इस तरह कर रहे थे, घर को बार बार घूम कर देख रहे थे कि मुझे ऐसा लगा कि ऐसे ही करेंगे। देखे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या लालची लोग हैं क्या? नहीं, ऐसा लग तो नहीं रहा था, लेकिन वो बीच बीच में मेरी आमदनी के बारे में कुछ इस तरह पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कि वो जहेज मांगेंगे। हाँ तो क्या हो गया बाबा, लोग अपनी बेटियों को जहेज देते हैं ना? हाँ देते तो है। आप एक काम कीजिएगा, कल मुझसे चेक लेने आते, ठीक है? और मेरी बहन को बोलिएगा कि मैं शादी में फूल दिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको इससे भी बढ़कर नेकी की तौफीक दे। अम्मा जल्दी से भले चंगी हो जाओ, मैं कह देती हूँ दो लोग नहीं संभलते मुझसे। तेरा क्या ख्याल है, मैं जानबूझकर बिस्तर पे पड़ी हुई हूँ, मेरा दिल नहीं करता जिंदगी की तरफ आओ। अम्मा मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा, मेरा दिमाग नहीं चाट ज्यादा, ये असद कहाँ है? वो नसीब और जला जा कहाँ सकता, जाएगा क्या? मेरे बच्चे के पैर में तो जान ही नहीं है, सो रहा है था। अल्लाह को यही मंजूर था, एक पोता दिया वो भी माजूर। मेरे बेटे को अल्लाह ने इतनी जल्दी क्यों उठा लिया? अम्मा कोई तो होगा हमारे सपनों को आराम रखेगा। हर सू उदासियां उम्मीद के जमी है बंजर। जायद मैं वहां जाके क्या करूंगा, मुझे सोशल वर्क में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और ना कभी मैंने इस तरह का सोशल वर्क किया है। क्या पता नहीं कैसे लोग होंगे वहां पे, किस तरह से बिहेव करेंगे, प्लीज जो लास्ट वाले बंगले में रहते हैं ना, जिनके यहाँ बहुत रश रहता है। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है आप उनको बिठाएं, लो आते हैं। ठीक है सर। बस जी क्या बताऊं, मैं तो काफी दिन से आपसे मुलाकात के लिए सोच रहा था, लेकिन बस वो फुर्सत नहीं मिलती थी। सर कोई काम था तो आप फोन कर लेते। असल में बात यह है कि ये बातें फोन पे नहीं हो सकती थी। जी जी फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ। जुबैर साहब, शायद आपके इल्म में हो कि मेरे घर एक बहुत बड़ा दस्तरखान लगता है, बड़ा मजमा होता है, और वहां से कोई आदमी भूखा उठ के नहीं जाता। बड़ी मेहरबानी है अल्लाह की, बड़ी बरकत दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत सवाब का काम है। जी बस आपसे दो फेवर चाहिए। जी जी बिल्कुल बताएं। बस जी अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ी इज्जत दी है उसने मुझे,
वो इलाके के लोग मुझसे दरखास्त कर रहे हैं कि मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ। शमीम साहब, आप खुल के बताएं, बात क्या है? तो बात ये है कि मुझ पर आवाम का बड़ा प्रेशर है कि मैं बल्दियाती इलेक्शन में खड़ा हूँ, तो उसके लिए मुझे आपके एक दो फिगर चाहिए। सो बिस्मिल्लाह, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप काफी साहिब सरवत इंसान, मेरा मतलब है अमीर आदमी है, तो मैं ये चाहता था कि आप मेरे जलसे को स्पॉन्सर करें। तो आपको तो पता है कि मैं अक्सर बेशतर नेकियां करता रहता हूँ, बच्चों के स्कूल की फीस दे दी, और सबसे बड़ी बात यह कि मेरे घर पर दस्तरखान जो होता है कोई भूखा नहीं उठता, वहां से सब पेट भर के जाते हैं, मैं लोगों की इमदाद करता रहता हूँ। शमीम साहब, नेकियों का ढिंढोरा पीट कर तो इस मुल्क के बहुत सारे लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि इस मुल्क में इलेक्शन में खड़े होने वाला हर शख्स यही करता है, पहले नेकियां करता है, फिर अपने शौहरत की ढोल पीटता है, और फिर स्पॉन्सरशिप ढूंढता रहता है। देखिए साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। हरगिज़ नहीं, बल्कि हम आपको अच्छी तरह से समझ गए। नेकी करने वाले ऐसे नेकी नहीं करते, सुलह मांगने की हिम्मत तक नहीं, बल्कि नेकी करने वाले तो अपनी पहचान खुद से भी छुपा कर रखते हैं। आपसे गलती यह हो गई कि आपने अपनी तारीफ खुद कर दी कि आप लोगों को खाना खिलाते हैं, आपके घर से कोई भूखा नहीं जाता, आप बच्चों की फीस भरते हैं, और उसके बाद आपने अपने मतलब की बात की कि हम आपको स्पॉन्सर करें, आपके खाक इलेक्शन करेंगे। फैजान ठीक कह रहा है शमीम साहब, आप बुरा मत मानिएगा, आपसे मिलने से पहले आपके बारे में जो कुछ भी सुना था वो बहुत काफी था आपकी इज्जत करने के लिए, मगर अफसोस कि आप भी ढोल पीटने वाले इंसान निकले, वो भी अपनी मतलब की खातिर। डैड, पता चलता हूँ, मुझे जरूरी काम है। अच्छा, तो वो स्पॉन्सरशिप के बारे में क्या सोचा आपने? माजरा चाहता हूँ शमीम साहब, मेरी कंपनी किसी ऐसी एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनती जो मतलब परस्ती पर हो। आई एम सॉरी। अच्छा, तो आप एक बार मोहल्लेदारी की सोच लें। आप तशरीफ रखिए, मुझे और मेरे बेटे को बहुत जरूरी काम है, और मेरी सुबह की फ्लाइट भी है, मुझे सोना है। अच्छा, मुझे आपकी, मैं चलता हूँ, लेकिन एक बात बता दें, इसमें आपको बहुत फायदा है। मेरा अल्लाह मुझे फायदा और नुकसान दोनों देता है, इस पर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। बंदे की क्या मजाल है किसी को फायदा पहुंचाए। जी जी हाँ साहिद, बोलो यार। यार तुमने भी मुझे पता नहीं कहाँ फंसा दिया है कसम से। यार तुम्हें पता है मुझे डिप्रेशन होते हैं इन चीजों से। कौन सा अंदाज़ है नेकी का? कि मेरे घर एक बहुत बड़ा दस्तरखान लगता है, बड़ा मजमा होता है, और वहां से कोई आदमी बुक आउट के नहीं जाता। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ यार, बाकी देखो तुम संभाल। अच्छा फील करोगे वहां पे। सर ये जगह आपके हिसाब से मुनासिब तो नहीं है, तशरीफ रखे, मैं देखता हूँ। लोग आप लोग सब एक बात कान खोल कर सुन ले, अपनी अपनी बारी पे जाएंगे, और जिसको मैं कहूंगा वो जाएगा अंदर। अभी आप लोग जाइए अंदर। दो जी बीबी, काट दीजिए, नाम बताएं अपना। शाहीन। सर, लिखा जी।
आप? नाम बोले? मेरा नाम परान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जुलेखा कार्ड। हाँ जुलेखा बोल, कुछ कहना है? वो मैं कह रही थी कि और ज्यादा पैसे चाहिए क्या? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं कह रही थी और ये कार्ड रख लो। कार्ड वापस ले ले, क्या कोई मुश्किल है? आपको किसी ने कुछ कहा है? ये ऐसी कोई बात नहीं, मैं कह रही थी कि जुलेखा खुलकर बात करो। आप ये कार्ड रख लीजिए और मेरे बेटे का। अरे क्या हुआ आपके बच्चे को और ये कार्ड क्यों वापस कर रही हैं? इस कार्ड के बदले में मेरे बच्चे का इलाज करवा दे। बताएं तो सही, हुआ क्या आपके बेटे? वो ऐसे मासूर है। मासूर? फिर उसका इलाज कैसे हो सकता है? हो सकता है, डॉक्टर कह रहे थे कि इसका इलाज हो सकता है, मगर ऐसे बहुत लगेंगे। क्या हो सकता है इलाज? अच्छा ये बताएं बेटा कहाँ है आपका? वो बाहर है, मैं बुलाती हूँ। अरे नहीं नहीं रहने दें आप, मासूर है वो, इलावा आप उसको जहमत दे। नहीं वो चल सकता है। अभी तो आपने कहा था कि वो मासूर है और अब आप कह रही कि वो चल सकता है। आप खुद ही देख लीजिए। असर जिंदगी बोझ है, बोझल है ये सफर, ये है मेरा बच्चा असर। डॉक्टर कहते हैं इसके इलाज के लिए बहुत पैसे लगेंगे, तब मुझे ये कार्ड नहीं चाहिए, मैं अपने बच्चे का इलाज करवाना चाहती हूँ। आप उसका इलाज करवा दें। अच्छा था जुलेखा, हौसला करो। अच्छा अब ये बताएं डॉक्टर ने कितना खर्च बताया? वो कहते हैं कि 17,500 रुपए का खर्चा आएगा, मैं कहाँ से लेकर आऊँ? सिर्फ 17,500? अब मैं जानती हूँ बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मैं आपको एक एक पल दे दूंगी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के आपसे वादा करती हूँ, मैं एक एक पल दे दूंगी मेरे बच्चे का इलाज करवाने। अरे भाई चाय से काम नहीं चलेगा, खाने का ऑर्डर करो, बहुत देर हो गई है वैसे भी। यार ऑर्डर कर दिया मैंने, पता नहीं क्यों नहीं आया अभी तक। यार मुझे तो लग रहा है ये हमें टाल रहा है। खबर फैजान रहमानी की दावत है, तुम लोगों को तो खाली पिज्जा ऑर्डर किया था, मैंने बर्गर कढ़ाई तकरीबन सब कुछ ऑर्डर कर दिया मैंने, ताकि तुम जैसे भूखों के ताने ना सुनने पड़े मुझे। अब तो खुश हो गए ना कि क्या क्या मंगवाया साहब? ये खाना आ गया इसके रसीद। कितना हो गया बिल? अरे मैंने समझा था कि 25,000 का बिल होगा, लेकिन ये तो सिर्फ 17,500 का है। ये औरत इतनी मामूली सी रकम की वजह से परेशान, मुझे हैरत हो गई। जुलेखा तुम सब करो, हम सोचते हैं। इतनी मामूली सी रकम के लिए क्या सोचते? जाहिर तुम प्लीज जाओ बाहर और कार से मेरी चेकबुक लेके आओ। एक सेकंड रुको यार, ये कहाँ बेचारी बैंक में धक्के खाती फिरेगी। याद रख लीजिए प्लीज रखिए। आप अपने बेटे का इलाज करवा लीजिएगा, अभी भी सुकून रखिएगा, ये पैसे आपको वापस देने की जरूरत नहीं है। आपका बेटा ठीक हो जाए हमारे लिए यही है। जाहिर साहब इनको लिफाफा भी दे। ठीक सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऐसा कभी नहीं बोलेंगे।
सर बेटा आपको शुक्रिया अदा करो। शुक्रिया कैसे मैं कहूं जिंदगी ये बता शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। सर आपने क्या किया सर? अब न जाने कितने लोगों को पता चलेगा और कौन कौन अपने बीमारों को लेकर लाइन में लग जाएगा। अगर लाइन लग भी जाए तो उसमें क्या कबाड़ है, कम से कम हमें पता तो चलेगा कितने लोग दुखी हैं, कितने लोग जरूरतमंद हैं। आखिर इस ट्रस्ट का मकसद ही क्या है? लेकिन सर जाली भूखे, जाली कर्जदार, जाली बीमार और न जाने क्या तो जाहिर साहब अब तो ये आपका काम है ना कि कौन जाली है और कौन असली। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि औरत बहुत जरूरतमंद थी। हैरान हूँ मैं कि इतनी छोटी सी रकम जिसे हम एक वक्त में शॉपिंग मॉल में उड़ा देते हैं या एक दावत में खर्च कर देते हैं, एक इंसानी जिंदगी इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? लेकिन सर ट्रस्ट ऐसे नहीं चलता। जाहिद साहब ट्रस्ट ऐसे ही चलता है और आप भी लोगों पर ट्रस्ट करना सीखिए। ट्रस्ट करेंगे तो ट्रस्ट चलेगा। वैसे सर मैं हैरान हूँ कि आप पैसे बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं, लेकिन इस मामले में वो सब मेरी अपनी जात के लिए, इन लोगों के लिए नहीं। इनका मैं कोई हिसाब किताब नहीं रखता, समझे? हाँ भाई, कैसा रहा तुम लोगों का ट्रस्ट का विजिट? दैट बहुत अच्छा। गुड। अच्छा आप लोग जरा बोर्ड रूम में आ जाएं, एक नई प्रोडक्ट आ रही है उस सिलसिले में मीटिंग करनी है। मैं जानती हूँ बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मैं आपको एक एक पल दे दूंगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ के आपसे वादा करती हूँ, मैं एक एक पल दे दूंगी मेरे बच्चे का इलाज करवाने। जाहिद साहब मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि हमारी कैंपेन का इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। स्ट्रेटजी स्ट्रांग हो तो कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। सर एक बात बोलो, सर इस कामयाबी में मुझे लगता है किसी की दुआएं भी लगी हैं। अच्छा, मैं भी तो सुनूं कि हमारे लिए कौन दुआएं करने के लिए बैठ गया। सर वो औरत याद है आपको, जुलेखा, जिससे 17,500 रुपये दिए थे। जुलेखा? सर वो जिसका बच्चा माजूर था। अरे हाँ, पता नहीं यार उसने अपने बच्चे का इलाज करवाया कि नहीं, या फिर अपनी दूसरी मुश्किलों में पैसा खर्च कर दिया। क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? सर आपने खुद ही एक बात की थी जो मैंने पहले बांध। मैंने ऐसी क्या बात की थी? यही कि हमारा ट्रस्ट दूसरों पर ट्रस्ट करने से चलता है। ट्रस्ट करोगे तो ट्रस्ट चले। अच्छा अब तुम मेरी बात पर मुझे पकड़ोगे? वाह भाई तरक्की। नहीं सर ऐसी कोई बात, आपकी बात ही इतनी पावरफुल थी कि याद रह गई। अच्छा भाई मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। अच्छा सर फिर नेक्स्ट वीक फिर जाना है लिफाफे तकसीम करने ट्रस्ट में। भाई देखो तुम जानो और जुबैर साहब जानो, मुझे तो बहुत काम है। डैड आपने मुझे बुलाया था? अगर तुम कहती तो मैं खुद तुम्हारे रूप में आ जाता। नहीं नहीं डैड, आई डिड नॉट नीड डैड। अच्छा छोड़ो इसको, देखो बेटा कुछ लोग हैं जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे, हम उनका शुक्रिया कैसे अदा कर सकते? जी कैसे बताए मुझे? उनकी मुश्किलात हल कर, और यही तो एक तरीका है उनका शुक्रिया अदा करने का, और ये ट्रस्ट मैंने इसीलिए तो कायम किया था। हाँ डैड आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यकीन करें जब 3 माह पहले मैं वहाँ गया था तो मुझे भी बिल्कुल ऐसी खुशी
वैसे ही सुकून मिला था जैसा आपको मिलता है। बेटा तो फिर 3 माह बाद वो वक्त आ गया है कि तुम मेरी जगह जाओ। डैड वो मैं तुम तो जानते हो बेटा तुम्हारी जिंदगी खुदा की अमानत है और उन लोगों की मखलूस जिनकी एक दुआ से हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं उनकी मेहनत से हम अपने पैरों पर खड़े हुए ये लोग हमारी उस मशीन के पुर्जे हैं जिस पर बड़े फख्र से हम अपना नाम लिख पाते हैं। देखो बेटा हमारे माथे की एक शिकन खुदा को नाराज कर सकती। नहीं नहीं डैड मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। वो तो मैं बस ये और वो छोड़ो बस तुम जा रहे हो। अब एक चीज याद रखना किसी के साथ ज्यादती ना हो। जी डैड डोंट वरी आप फिकर नहीं करेंगे। साहब का बच्चा मैंने कहा था ना जाहिद कोई इलाज उलाज नहीं। अरे नहीं नहीं साहब इलाज भी हुआ है और ऐसा हुआ है कि मेरे दिल से आपके लिए दुआएं निकल। अच्छा तो कैसा आपका बच्चा? अच्छा है बहुत अच्छा है। आपने भी मुझ पर एहसान किया इसका शुक्रिया तो मैं मर के भी अदा नहीं कर सकती। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया बस वो एक मामूली सी रकम। सर वो मामूली रकम आपके लिए इस औरत के लिए और इस जैसी कई औरतों के लिए वो रकम एक जिंदगी है। साहब अल्लाह ताला ने आपको हम अगले फरिश्ता बना कर भेजा। आपने जो हम पे एहसान किया उसके लिए तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। अच्छा वो कहाँ है तुम्हारा बेटा? हाँ मैं बुलाती हूँ मेरे साथ ही आए। असर असर जल्दी से आओ आकर देखो तुमसे कौन मिलना चाहता है। असर सिर्फ 17,500 रुपए में इतनी खुशी कैसे यकीन कर लूं यार ये लोग इतने थोड़े थोड़े से पैसों के लिए दुख भरी जिंदगी गुजार और हम अपने महलों में कितने आराम से रह रहे। साहब आपने जो मुझ पे एहसान किया ना उसके लिए तो मैं सिर्फ शुक्रिया अदा कर सकती हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं सुलेखा ये शुक्रिया कोई छोटा शुक्रिया नहीं है बल्कि इस शुक्रिया की वजह से आज मैं इतने ऊंचे मकाम पर खड़ा हूँ कि अपनी सारी दौलत देकर भी इसे खरीद नहीं सकता था। तुम इसे छोटा मत समझो बल्कि मेरी तरफ से एक शुक्रिया। वो किस लिए? सुलेखा तुमने मेरी आंखों और इंसानों के दरमियान जो दुखों का पर्दा था उसे गिरा दिया।
बेटा जरा, अब बेटा अब आपने पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनना है, अगर अपनी माँ का सहारा बन पलोगे ना, बोलो पलोगे ना सुलेखा, बहुत पा चुका बहुत चुका। अम्मा बात सुनेगा? अरे जा जा, सुनता तो है नहीं कुछ, ऐसी चला जाता है। सुने तो सही, प्लीज आए बात सुन ले। अच्छा बेटा, कुछ पैसे रख लें आप। क्या बात है फैजान रहमान, कल तक तो तुम्हें फकीरों को एक रुपया नहीं देते थे, कहते थे कि ये पेशावर फकीर है, आज इतनी बड़ी तब्दीली। जब इंसान के एहसास को वजूद मिल जाता है ना, तो क्या महसूस होता है मुझे पता है। मेरा तो एहसास शायद मर ही चुका था। जुलेखा के बच्चे ने मेरे एहसास को वजूद बख्श दिया, उसके चेहरे की चमक मैं भूल नहीं सकता। वो खुशी, वो आंसू मैं कैसे भूल सकता हूँ जिन्होंने मुझे बदल के रख दिया। डैड आपको पता है, मैं एक वक्त में जितने पैसे खर्च कर देता हूँ ना, उसमें एक जीता जागता इंसान अपनी जिंदगी की तरफ आ गया। हम अपनी खुशियों में दूसरों के दुख भूल जाते हैं, हमें नजर ही नहीं आता कि सामने वाला कितना बेबस है। मगर अब ऐसा नहीं होगा डैड, अब ऐसा नहीं होगा। मैं आपसे हर जरूरत डैड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिंदगी को एक नया रूप दिया। शुक्रिया।